वेलकम टू टेली टॉकीज। द कपिल शर्मा शो टीवी के फेमस शोज में से एक है। इसके होस्ट कपिल शर्मा सालों से फैंस को हंसाते आ रहे हैं। अपनी कॉमेडी से कपिल शर्मा और उनकी टीम दर्शकों के दिलों पर राज करती है। टीवी का ये शो इतना मशहूर है तो जाहिर सी बात है कि कपिल से लेकर सभी कलाकारों की फीस भी काफी मोटी होने वाली है। वेल द कपिल शर्मा शो में अलग अलग कलाकार अपने किरदारों से दर्शकों को एंटरटेन करते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा वीकेंड के एपिसोड के लिए 1 करोड़ रुपए लेते हैं। शो हफ्ते में शनिवार और रविवार को आता है, यानी कपिल एक एपिसोड के 50 लाख रुपए लेते हैं। शो के पहले सीजन के लिए कपिल वीकेंड एपिसोड के 60 से 70 लाख रुपए लेते थे, लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ इन्होंने अपनी फीस को भी बढ़ा दिया। तो वहीं कॉमेडियन भारती सिंह भी बीच बीच में एपिसोड में नजर आती हैं। भारती सिंह वीकेंड एपिसोड के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करती हैं। शो में भारती कई किरदार निभाती नजर आती हैं। कभी वो तितली यादव बनकर आती हैं तो कभी बुआ का किरदार करती हैं। शो में सपना का रोल करने वाले एक्टर कृष्णा अभिषेक भी 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं। इसके अलावा कपिल शर्मा के बचपन के दोस्त और शो में चाय वाले बने चंदू यानी कि चंदन प्रभाकर वीकेंड एपिसोड के लिए 7 लाख रुपए लेते हैं। बच्चा यादव का किरदार करने वाले कॉमेडियन और अभिनेता कीकू शारदा 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। भूरी का किरदार करने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती 6 से 7 लाख रुपए लेती है। नवजोत सिंह सिद्धू की जगह जज बनी अर्चना पूरन सिंह भी मोटी फीस लेती हैं और 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। इन कलाकारों की फीस को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। इसमें से आपका चहेता कौन सा है कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।